हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, छुट्टी हो गई है ख़त्म और मैं जा रहा हूं ऑफिस। तो दोस्तों, कल का दिन कुछ ऐसे ही रहा। नॉर्मली घर के कामकाज में निकल गया, फिर शाम को थोड़ा सा छोटा मोटा ब्लॉग करा आप लोगों के लिए। अभी वो वीडियोज़ आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो ये एडिट होगी, वो एडिट हो चुकी है, बस वो अपलोड होगी, फिर वो आप देखेंगे। तो ऐसा ही है कुछ, एक छुट्टी थी, ख़त्म हो गई, अब बस हुए बैक टू अपना ऑफिस और कुछ नहीं। बस तो ऐसी है कुछ लाइफ डेली की। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, एस एस चेकाल पहला, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भाई टमटा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टमटा फिंस में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, नवरात्रे चल रहे हैं और मुझे पता है सब लोग अच्छी अच्छी तैयारियाँ करके बैठे होंगे, आप लोगों के घर में फास्ट भी होंगे और कैसी कैसी तैयारियाँ हो रही हैं, और दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली पे क्या क्या लोगों ने सोचा हुआ प्लीज़ यार बताना जरूर। तो चैनल पर प्यार करो, ऐसी वीडियोज़ को लाइक करते रहो, और यार चैनल और वीडियोज़ अच्छी लगे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ को लाइक कर लेना। तो प्लीज़ दोस्तों यार ऐसे ही प्यार देते रहो, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो चलो दोस्तों, अभी हो रहा ऑफिस का टाइम, मुझे निकलना है। तो चलो मिलते हैं राइट पे, ताकि थोड़ा सा बातें आपसे ऑफिस जाते जाते हो जाए। देखो दोस्तों, सुबह सुबह शुरुआत कुछ ऐसी हुई है, कल रात तक सही थी, भालू के बैठने से लग रहा गाड़ी पंचर हो गई। अभी ये ठीक थी यार, कल तक तो पता नहीं, अभी सुबह देख रहा हूँ हवा निकली है, रात को तो मैं आया हूँ ठीक ठाक, अभी बस अंदर से चला के लाया ना, हवा नहीं थी तभी थोड़ा लहर ले रहे, थोड़ा ठोक ठाक के बिठा दो, क्योंकि वैसे चला के ला रहा हूँ ना बिना हवा के, तो प्रेशर से दबा के रखो हवा। और ये भी देख रहे हैं कहीं पंचर ना हुआ हो, होगा तो भाई लगा देंगे पंचर, फिलहाल तो मैं लेट हो गया बहुत आज। ऐसा होता है दोस्तों, जब हम ऑफिस निकले और ऐसा कुछ कांड हो जाए, कितना मूड ख़राब होता है सोचो। और जिस गाड़ी में घूमने में मज़ा आता ना, अगर उसको धक्का मार के लाना पड़े या फिर धीरे धीरे पंचर में लाना पड़े, बड़ी हालत ख़राब होती है, कहाँ मक्खन की तरह सरसर चलती है और कहाँ फिर इतना रुला दे, सोचो क्या हालत होती है। तो कुछ काम कराना हो तो ये जगह है, ये शॉप है देखो, यहाँ पर मेहरौली के पास ही है। अगर किसी को काम कराना हो तो फटाक से शॉप पर आए, भाई बहुत बढ़िया काम करा भाई जी ने। चलो थैंक यू भैया। अब हम निकले और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने भूल भुलैया, ये है भूल भुलैया। बहुत मूड ख़राब होता है यार, सही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ऑफिस ज़्यादा टाइम ऐसा सीन हो जाए, आपका टायर पंचर पड़ा हो, सोचो कितनी दिक्कत देती है। सुबह सुबह नुकसान अच्छा नहीं लगता, अगर आप कहीं जा रहे हो और भी ऑफिस, खास कर तो ऑफिस यार जहाँ पे टाइम पे पहुँचना होता है, और उस टाइम पे अगर आपकी गाड़ी पंचर हो तो सोचो कितनी दिक्कत देता है। और धन्नो है भाई, चलाने में तो बहुत मज़ा आता है इसको। वैसे बताऊँ दोस्तों, मैंने ना अपनी फर्स्ट बाइक ली थी 2010 में, पल्सर मेरे को पसंद नहीं थी, सीरियसली बताता हूँ भाई, मेरे को कभी पसंद नहीं आई। हाँ वैसे उसका चार्म बहुत था, पर मुझे कभी पसंद नहीं आई, और दूसरी गली में बस पल्सर के अलावा कुछ नहीं था भाई, इतना ज़्यादा मतलब पल्सर देखता था, समझ ही नहीं आता था कि यार मतलब ऐसा लगता था और कोई बाइक है ही कि नहीं है, दिल्ली में और बाइकें भी हैं या नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता था भाई साहब। ब्लैक कलर तो क्या बताऊँ, कितना क्रेज़ था ब्लैक का भाई, फेयर ब्लैक तो हर किसी को चाहिए थी, ऐसा पल्सर का यार क्रेज़ था भाई। धीरे 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 चाम ठंडा हो गया। बजाज क्यों नहीं भाई कुछ नया करती, बस वो पल्सर के बाद NS लाई, RS लाई, डोमिनार लाई, भाई साहब आप बताओ उसके बाद आपने आज तक कभी कोई गाड़ी देखी? पता नहीं क्यों वो क्यों अपग्रेड नहीं करती, क्यों पल्सर को आज तक वैसी। और भाई साहब उनका अपग्रेडिंग सिस्टम देखो इतना ज़बरदस्त है ना, कि भाई कोई टक्कर नहीं दे सकता बजाज को। जितने भी इंजीनियर रखे ना भाई, सिर्फ स्टिकर डिज़ाइन करने के लिए रखे हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में वही उन्होंने ही इंडिया को दिखाया है कि क्या होता है स्पोर्ट्स और बाइक। लेकिन यार आज तक अपाची के जैसे वो भी कर सकती है, इतने अच्छे अच्छे सीरीज ला सकती है, पल्सर कितना बड़ा नाम है यार, सोचो बजाज का नाम पल्सर से उठ गया, पल्सर का ऐसा क्रेज़ था, लेकिन आज तक हमने पल्सर को क्या करा, कोई अपग्रेड नहीं है पल्सर के ऊपर। यार बजाज अगर मेरा वीडियो देखो तो यार प्लीज़ यार थोड़ा तो यार आगे बढ़ो, क्या हो गया आपको, नाम है आप लोगों का इंडिया में, आप लोगों ने स्पोर्ट्स सेगमेंट स्टार्ट किया इंडिया के अंदर,
अपनी पल्सर से आप लोगों ने इतना मतलब अपाची भी एक तरीके से कहूँ तो पल्सर को मतलब देख के वो भी आई है जो, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप देखो ना, कितनी प्यारी प्यारी सीरीज निकाल रहे हो, क्या धमाके कर रखे हैं उसने यार देखो। ठीक एंटॉक देखो टीवीएस की भाई साहब, वो तो बाइकों को टक्कर देती है यार, बाइकों को फेल कर देती है वो, इस लेवल पे आती है वो तो। लेकिन बजाज भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा, बजाज की हिस्ट्री क्या बोलूं। प्लीज़ यार अपग्रेड करो यार, अच्छी अच्छी बाइकें लाओ, क्या दिक्कत है, ख़रीदने वालों की कमी नहीं है, पता नहीं बनाने वालों को क्यों तकलीफ़ है। सब बजाज को कितना प्यार करते सब जानते हैं, और क्रेज़ ही अलग है बजाज का पल्सर होगा। तो प्लीज़ यार पल्सर को अपग्रेड करो और बहुत प्यारा उसका लुक ले क्या कुछ ऐसा लाओ। अभी यामा को देख लो यार भाई, मेरा तो प्यार है वो। यामा V4 लॉन्च कर दी, सोचो आज प्राइस का 2 लाख चला गया, लेकिन खरीद रहे हैं लोग भाई, पसंद है लोगों को भाई, वो लुक पसंद है। देखो उसका भाई साहब स्पोर्ट्स लुक देखो उसका, मतलब वो लगती नहीं है कहीं से 150 cc की, इतना मज़ा आता है उसे लेके यार बंदे जो चलाते हैं। आज देखो क्विक शिफ्टर, सोचो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यामा कभी अपनी 150 cc में क्विक शिफ्टर देगी, ट्रैक्शन कंट्रोल देगी, है डुअल चैनल ABS तो चलो उनका आता ही है, स्लीपर क्लच हो गया ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी यार। उस गाड़ी में अगर मैं बैठ गया ना ढूंढने तो मतलब इतनी है कि भाई मैं बता नहीं पाऊँगा। 150 cc गाड़ी है लेकिन फ्यूचर देखो भाई, लोडेड गाड़ी है, लोडेड फ्यूचर लोडेड। तो यार कुछ करो बजाज यार, फिर आप भी कुछ नया करो यार, आप इतने लवर्स हैं पल्सर के यार, क्यों दिल तोड़ रहे हो उन लोगों का, क्यों उन्हें अपनी पल्सर से हट के अपाची तक जा रहे दे रहे हो ठीक है। और अपाची तक हम क्यों ना जाए, आप खुद देखो ना मतलब कितने प्यारी बनाई है अपाची। अपाची को देखो, उसकी बिल्ड क्वालिटी देखो, उनकी बाइक इतनी अच्छी लगती है, साउंड देखो उनका भाई साहब, साउंड में तो महारत हासिल हो गई है भाई TVS को। आज तक इतने बंदों ने बाइक बनाई क्यों यार साउंड नहीं दे पाया, हर एक उन लोगों ने तो 125 cc की बाइक पे यार बताओ, उनकी TVS एंटॉक देखो क्या धमाका करते भाई, स्टार्ट होके जाते ना भाई साहब कहर है भाई, बंदा पलट के देखता क्या आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त साउंड देती है यार, मतलब क्या साउंड प्रोड्यूस करती है यार वो। यार प्लीज़ यार मैं खुद बजाज का दीवाना हूँ यार, आप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब मैंने खुद जब पल्सर ली थी तो मुझे पल्सर पसंद नहीं थी, लेकिन 2010 में जब मैंने पल्सर खरीदी तो वो 135 खरीदी, क्योंकि जब 135 लॉन्च हुई थी ना वो इतनी प्यारी थी ना, वो लगी थी मुझे भाई साहब वो स्पोर्ट्स लुक कुछ, वो इतनी ज़बरदस्त लगी मुझे वो ना, सेल करनी पड़ी, मजबूरी थी मेरी, मुझे सेल करनी पड़ी। फिर मैंने 2018 में सीधा एंटॉक ली, जैसी एंटॉक लॉन्च हुई थी उसका वाइट कलर इतना पसंद था, TVS की तो स्कूटियाँ धमाल मचा दिया था, तो वो लॉन्च होती ही मैंने ले ली थी, पहला वाइट कलर मैंने ही लिया होगा जहाँ तक मुझे ख्याल है दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं वेट कर रहा था, क्योंकि जब मैं शोरूम चला गया था तो मेरे को येलो मिला था रेड मिला था, लेकिन वाइट था ही नहीं पीस अवेलेबल, तो मैंने भी बोल दिया भैया वाइट ही चाहिए, चाहे आप आज दो कल दो परसों दो। तो मुझे अभी भी याद है अरेंज करवाया था उन लोगों ने, मुझे दो कितने एक दो दिन का टाइम दिया था, फिर भी बहुत अच्छा लगा उसके साथ तो मुझे, क्योंकि मैंने अभी देखो पिछले साल जो दिवाली गई है उसी में ही मैंने उसे बजाज को जाके सेल आउट किया है वो, और वहाँ से मैंने ये प्लैटिना ले ली, क्योंकि मुझे पता था मुझे फील्ड के लिए चाहिए ऐसे स्कूटर बाइक, तो मैं अपना शौक तो बाद में पूरा कर सकता हूँ उन्हें ले के अलग से, वो तो मैं बाद में भी कभी पर्सनली वैसे ले के रख लूँगा, लेकिन मुझे नॉर्मली जिस ऐसे काम के लिए मुझे इसी की ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कंटिन्यू चले और बढ़िया चले और तेल भी कम लगे, क्योंकि यार फील्ड पे उसको ले जाना तो फिर समझ लो जेब वेब सब ढीली हो जाना तो वो मेरे बस की बात नहीं थी। खुश हो गया है वो देख के, सेटअप देख के चलो अच्छा लगता है यार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर कोई देखता है तो चलो बच्चा खुश हो गया और क्या चाहिए दोस्तों यार ऐसी है कुछ कहानी, तो ध्यान रखना दोस्तों कभी भी हो ट्यूबलेस ऐसे मत करना जैसे मैंने किया है। अब मैंने तो बेनिफिट के चक्कर में किया था, पता नहीं था इतना ज़्यादा दिक्कत देता है, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत देगा कुछ टाइम बाद व्हील ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेरे को सभी बोल चुके हैं कि यार ये दिक्कत देता है, और हाँ ये दिक्कत देता है क्या, ये दिक्कत दे रहा है। ये थी कुछ कहानी मेरी जुबानी मेरी गाड़ियों की, कौन सी बाइक कब ली, क्या ली, कैसे ली, क्यों बेची, ये सब कहानी आज आपको पता चली। अब इसके साथ
मज़ा आता है। और सच बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले कभी प्लेटिना, मतलब प्लेटिना से सीखा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैं बाइक ही प्लेटिना से सीखा हूँ। मेरे फ्रेंड ने ली थी तब जब ये प्लेटिना लॉन्च हुई थी, तो उसने मुझे अपनी मतलब बाइक दी थी चलाने के लिए, जबकि नई बाइक थी, और मैं उसको गिरा देता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि अबे क्या हो गया, गिरा क्यों रहा है। वो बस हमेशा कहता था तो चोट तो नहीं लगी। तो वो बंदा हमेशा, मतलब उसने कभी नहीं कहा मुझसे कि यार, मतलब होता है ना, लोग अपनी बाइक दिखाते नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो वो बाइक भी बहुत बड़ी बात थी, और फिर उसने खुद वो कैसे खरीदी थी वो ही जानता था, पर लेकिन मुझे कभी वो मना नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त था। और उसका नाम बोलूँ तो यार, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था वो मेरा, उसका नाम हुकुम था, और हम जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे। ऐसा सीन था कि वो बंदा कहीं भी जाएगा तो वो पहले नीचे से आवाज़ मारेगा, 10-10 मिनट तक खड़े रहता था, और मैं नहीं सुनूँ तो फिर वो ऊपर ही आता था। मतलब इतना वो था कि वो कहीं नहीं जाता था मेरे बिना। और मेरा भी ऐसा सीन था कि मैं कहीं जाता था तो उसे फ़ोन मारता था, फिर वो आता था, और कभी भी एक दूसरे को मना नहीं करते थे। कुछ भी काम कर रहा हो बंदा, कुछ भी कर रहा हो, लेटा भी हो घर में, आराम कर रहा हो, तुरंत आता था तैयार होके। और मेरा भी ऐसा था कि उसके लिए मैं भी तुरंत, बस उसके बोलने की देती हूँ तुरंत चल जाता था। हम दोनों दोस्त ऐसे थे, हम दोनों बहुत अच्छे से बढ़िया से मतलब एक दूसरे के साथ रहते थे, और जहाँ भी दिल कर हम साथ ही जाते, इंडिया गेट चले जाते थे यार, बहुत मज़ा आता था। तो हमेशा उसने मुझे मतलब सपोर्ट किया, एक मतलब वो मेरे दोस्त का एक भाई की तरह वो मेरे साथ रहता था। तो हमेशा मुझे मतलब किसी चीज़ के लिए कभी उसने मना नहीं करा। कभी जब उसने अपने लिए फ़ोन भी खरीदा था तो उस फ़ोन को भी मुझे दे देता था। वो बहुत वो था यार, हम दोनों मतलब इतना वो थे कि यार साथ ही जाना साथ ही आना। तो यार वो मेरा दोस्त हुकुम, अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो लव यू भाई यार, जहाँ भी होगा यार। याद आती है यार लोगों की, और सब यही रहते थे बचपन में, तो इसीलिए प्लेटिना से मैं उसी से ही सीखा, हमेशा उसने सिखाया। एक दिन तो बड़ा कार्ड हो गया था, हम इस्कॉन गए हुए थे, और उसने मुझे बोला ले ढलान में चला ले पार्क में, और मैं ऐसा चलाया कि मेरे को कंट्रोल ही नहीं हुई वो, और वो पटरी से उतर के मिट्टी वाले एरिया में चली गई, और वो पीछे बैठा, वो पीछे चिल्लाया जा रहा है मैं ब्रेक मार ब्रेक मार, और मैं चलाया जा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा ब्रेक कहाँ से मारूँ क्या मारूँ, क्योंकि मैं इतना डर गया था। तो लेकिन ये कि यार बंदा ना यार हर जगह गया था, चोट भी खाई उसने साथ में। अरे यार बड़ा मज़ा आता था यार, दिन याद आते हैं मुझको यार, बड़ा अच्छा लगता है यार। पुराने टाइम पुराना ही था यार, पल थे यार, हम साथ में उठते बैठते खेलते कूदते यार, बहुत अच्छा लगता था वो टाइम। चलो यार ऐसी है, समय बदलता है यार, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम सब लोगों को मतलब जाना ही है यहाँ वहाँ, सबको अपनी अपनी दुनिया में बिजी होना पड़ता है यार। उसे वो भी अपने घर का बड़ा था, फिर एक टाइम आया जब उसको सब कुछ उसे संभालना पड़ा, सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। तो फिर धीरे धीरे हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी हो गया, ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से दूर होते रहे, क्योंकि जब घर परिवार की बात आ जाती है तो फिर होता है ना यार, वो सब पीछे साइड करके हमें फिर परिवार देखना पड़ता है। जिस तरह हमारे माँ बाप हमारे लिए अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं और हर चीज़ हमारे लिए करते हैं, कि वैसे एक टाइम आता जब हम भी बड़े हो जाते हैं, फिर हमें भी लगता है कि यार अब हमें भी सब कुछ करना है और उनके लिए ही करना है। तो बस वो भी अपनी फैमिली में बिजी हुआ, फिर धीरे 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 मैं भी अपने में थोड़ा बिजी हुआ, ऐसे करते करते बस सब अपने अपनी लाइफ में सेट हो गए। पता है वीडियो तो नहीं देखते हो मुझे पता है, पर ठीक है मैं तो बोलूँगा ही, मैं तो बनाता रहूँगा यार। आई होप कि एक दिन तो आप लोगों को अच्छी लग जाए मेरी वीडियो, और आप ऐसे ही प्यार करो चैनल को, और ऐसी मेरी वीडियो को देख के आपको अच्छा लगे। मैं तो कोशिश करता हूँ कि यार आप लोगों का 2-5 मिनट भी अगर मेरे से इंटरटेनमेंट हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी यार। मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, कोई नहीं ख़राब भी लगती है तो प्लीज़ यार कमेंट में ही बोल दिया करो। और दिवाली आ रही है, क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, प्लीज़ यार कमेंट में बता देना। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, और से वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। मैं भरत टमटा मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा, और ऐसे ही प्यार देते रहना, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।